कस्बा के शिवधाम वाटिका में इटावा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया ने जनसंपर्क कर लोगों को भाजपा की नीतियों व रीतियों से अवगत करवा दिया है। बुधवार को कस्बे के शिवधाम वाटिका में आयोजित जनसंपर्क अभियान में पहुंचे भाजपा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया ने भाजपा की नीतियों रीतियों से लोगों को अवगत कराते हुए कहा कि पिछले पंचवर्षीय में जैसे आप लोगों ने हमको आशीर्वाद देकर भारी मतों से विजय बनाया था, वैसे ही इस वर्ष भी आप लोग आशीर्वाद देकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। सिकंदरा विधानसभा में जो अधूरे कार्य छूट गए हैं वह इस वर्ष पूर्ण करा दिए जाएंगे। कहा कि जनपद कानपुर देहात व जनपद जालौन को जोड़ने वाला यमुना पुल विगत 15 वर्षों से सिर्फ 5 पिलर के लिए अधर में लटका हुआ था। हमारे भाइयों व बहनों को जनपद जालौन जाने के लिए 40 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था, लेकिन यमुना पुल पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है। यमुना पुल तक जाने वाला सड़क मार्ग सांसद बनने के बाद पूर्ण करा दिया जाएगा, ऐसा मैं आप सभी से वादा करता हूं। कहा कि इटावा लोकसभा क्षेत्र में अनगिनत विकास कार्य कराए गए हैं, सांसद बनने के बाद पूरा समय आप लोगों के बीच रहकर जन समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। हम सब ये भी जानते हैं कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की तरक्की के लिए, देश के मान सम्मान के लिए, देश के सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए, आतंकवाद नक्सलवाद मिटाने के लिए, देश में तरक्की हो इसके लिए और